अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोटोकॉल की टर्म को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इससे पहले हमने टोपोलॉजी वगैरह पढ़ी थी और ये वाला टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टर्म को आप समझेंगे तो आने वाले लेक्चर आपको समझ आते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर कर लें। तो चले आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटोकॉल, तो पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, आम वर्डिंग में समझाऊंगी इस टर्म को कि प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि किताब में किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो जब दो डिवाइसेस किसी नेटवर्क को पहले समझते हैं। नेटवर्क क्या है? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो हम उसको नेटवर्क बोल देते हैं। अब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट क्यों होती है? ये डाटा को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट होती है। तो जब ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको ये फॉलो करती हैं। दोनों डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपने मस्ट दोनों डिवाइसेस ने फॉलो करने हैं, तो उसको ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। फिर से समझ लें कि जब दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो वो कुछ रूल्स फॉलो कर रही है कम्युनिकेट करने के दौरान। जिस तरह के अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट में जाना है जहां पर आप पढ़ते हैं तो आपने कोई ना कोई रास्ते में रूल्स को फॉलो करते जाना है। कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पर आप क्रॉस करेंगे सड़क, अगर रास्ते में कोई ट्रैफिक लाइट है तो इन रूल्स को आप फॉलो करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हो सकता है खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसी तरह अगर दोनों डिवाइसेस भी आपस में उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी जो कि कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी है तो हो सकता है डाटा लॉस्ट हो जाए। इसलिए उनको कम्युनिकेट करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो इन रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आप इस प्रोटोकॉल की टर्म के सामने लिख लें अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं किताब में उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अब मैं बताती हूँ कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। उन्होंने कहा है कि नेटवर्क में जब डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जब डिफरेंट डिवाइसेस जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड है वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो एक स्टैंडर्ड को यूज करती हैं। यानी एक स्टैंडर्ड को यूज करके वो नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यही तो हमने पहले समझा है, वो स्टैंडर्ड क्या है? वो सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को वो फॉलो करके कम्युनिकेट कर रही है तो उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेज। अब जो डिवाइसेज है उनके दरमियान ये एक एग्रीमेंट की तरह हमें रिप्रेजेंट करता है। यानी दोनों डिवाइसेस लाजमी उनको फॉलो करती है। ये नहीं कि एक कहती है कि इसको फॉलो कर रही है दूसरी नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। अ प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट इज कम्युनिकेट, हाउ इट इज कम्युनिकेट एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब हो रहा है। द डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। या आप लाजमी या आपका की ये कुछ की पॉइंट होते हैं जो आपको पूरे का पूरा जो टॉपिक है उसको समझने में मदद देते हैं। यानी प्रोटोकॉल के बगैर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही। अब इसके कुछ फंक्शन है प्रोटोकॉल के, इन फंक्शन की ही बुनियाद पर ये प्रोटोकॉल लाजमी हो जाता है कि दोनों डिवाइसेज इन रूल्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है प्रोटोकॉल के वो डाटा सिक्वेंसिंग है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आने वाले लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें बार बार हम प्रोटोकॉल की टर्म को क्लियर करना जरूरी होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक इज कॉल्ड डाटा सिक्वेंसिंग। यानी एक बहुत ही लंबा मैसेज है उसको छोटे छोटे ब्लॉक में ब्रेक कर दिया गया। अब इसका फायदा क्या है? अगर ऐसा किया गया है तो यकीनन इसका कोई फायदा होगा। अ लॉन्ग मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट ऑफ सेम साइज। सेम साइज के छोटे छोटे पैकेट्स में एक लंबे मैसेज को डिवाइड कर दिया गया। दिस तकनीक इस तरह करने से क्या होता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज रिट्रांसमिटेड इफ एन एरर इज डिटेक्टेड। यानी अगर किसी एक हिस्से में एरर आता है तो हमें सिर्फ वही ब्लॉक, यानी छोटा सा जो हमने स्मॉल साइज में ब्लॉक कर दिए हैं, वही ब्लॉक को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पूरे का पूरा जो लॉन्ग मैसेज हमें वो रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम उस डाटा की अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं जो बाय चांस एरर आने की वजह से रिट्रांसमिट होगी। ठीक हो गया, अब हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं।
डाटा रूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पार्ट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। डाटा जब सेंड किया गया है उससे पहले उस रास्ते को चूज कर लेना, उस पाथ को फाइंड कर लेना जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो डाटा को उसकी डेस्टिनेशन यानी उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। ये डाटा रूटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी उस रास्ते को, उस पाथ को फाइंड कर लेना जो कि मंजिल तक आपको सीधा सही तरह ले जाए उस डाटा को, इस प्रोसेस को हम डाटा रूटिंग कहते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में हमने ये तो पढ़ा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर डाटा जाना चाहिए और टाइम से जाना चाहिए, तो यही बात डाटा रूटिंग की बदौलत हो रही है कि डाटा बिल्कुल करेक्ट जगह पर जाएगा क्योंकि हमने वो पाथ पहले ही फाइंड करना है जिसकी मदद से हम मंजिल तक डाटा को ले जाए, यानी ये डाटा रूटिंग की वजह से वो मंजिल तक जाए तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। डाटा फ्लो। ऑल कंप्यूटर आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन स्पीड। स्पीड में तमाम कंप्यूटर इक्वल नहीं है। डाटा फ्लो इज अ प्रोसेस दैट कंट्रोल डाटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली। अब डाटा फ्लो क्या करता है, ये नाम से ही जा रहा है कि डाटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है ट्रांसमिशन के दौरान। क्यों? क्योंकि अगर सेंडर कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा है रिसीवर कंप्यूटर की निस्बत, यानी अगर रिसीवर कंप्यूटर जिसको जिसने डाटा को रिसीव करना है उसकी स्पीड कम है और सेंडिंग कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा है, तो इधर डाटा फ्लो कंट्रोल करेगा स्पीड को और उसके मुताबिक रिसीवर कंप्यूटर की स्पीड के मुताबिक उसको डाटा प्रोवाइड करेगा। एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और उसको रिकवर भी करते हैं। इट इंश्योर डाटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एरर। ये गारंटी देते हैं कि डाटा बगैर एरर के ट्रांसमिट होगा। इट आल्सो सॉल्व प्रॉब्लम इफ एन एरर इज डिटेक्टेड, यानी अगर एरर अक्कर हो जाता है तो वो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे और श्योर करेंगे कि आपका डाटा बगैर एरर के ट्रांसमिट हो रहा है। ये इसके फंक्शन थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। थ्री की एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल आर एज फॉलो। आपको इनमें से कोई एमसीक्यूज वगैरह आ सकता है और वैसे भी इनको समझना भी जरूरी है। सिंटैक्स रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा। डाटा का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंटैक्स उसकी तरफ रेफर करता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक प्रोटोकॉल एक्सेप्ट कर सकता है कि अगर आपने एक डाटा सेंड किया है तो उसकी जो पहली 8 बिट है वो एज अ एड्रेस है सेंडर का और जो सेकेंड 8 बिट है वो एड्रेस है रिसीवर का और बाकी जो स्ट्रीम है रेस्ट ऑफ स्ट्रीम वो मैसेज इटसेल्फ है। ये उसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल का ये हो सकता है। सिमेंटिक्स रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। हर बिट का जो ईच सेक्शन है उसके मीनिंग की तरफ रेफर करता है। इट इंक्लूड हाउ शुड अ पार्टिकल पैटर्न बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन टू बी टेकन। ये बता रहा है कि कैसे अगर कोई एक हिस्सा इंटरप्रेटेड हो रहा है तो फिर कौन सा एक्शन लेना होगा अगर कोई इस तरह से होगा, तो ये हमें एक सोल्यूशन भी साथ दे रहा है कि अगर पार्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उस वक्त एक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एड्रेस में आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन और द फाइनल डिस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। मैसेज की जो फाइनल डिस्टिनेशन है उस तक जाने के लिए एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, एड्रेस के रूट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रूट लिया जाए, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था डाटा रूटिंग में और यहाँ पर भी वही बात हो रही है। टाइमिंग इंडिकेट व्हेन डाटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट इट कैन बी सेंड। ये दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाटा कब सेंड किया जाए और कितनी स्पीड से सेंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अ सेंडर मे प्रोड्यूस डाटा 100 Mbps। ये इसकी स्पीड बता रहे हैं, जिसने डाटा सेंड किया उसकी स्पीड इतनी है जबकि रिसीवर की सिर्फ 1 Mbps है। तो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, यानी ये रिसीवर कम स्पीड है उसकी और सेंडर की ज्यादा है। यही हमने उसके फंक्शन में भी पढ़ा था। द ट्रांसमिशन विल ओवरहेड द रिसीवर एंड डाटा विल बी लॉस्ट। अगर तो इसी तरह से होगा तो फिर क्या होगा, डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो लेकिन अगर हम इधर आ जाएं प्रोटोकॉल के फंक्शन की तरफ, तो हमने देखा कि डाटा फ्लो इस डाटा फ्लो कंट्रोल कर लेता है डाटा ट्रांसमिशन को प्रॉपरली और जो रिसीवर की स्पीड है उस स्पीड के मुताबिक वो डाटा को सेंड करेगा उस तक, चाहे डाटा सेंडर की स्पीड जितनी मर्जी है लेकिन रिसीवर जिस स्पीड से डाटा
ले सकता है, ये उसी के मुताबिक उसको देगा। तो फिर से हम देख लेते हैं, एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्रोटोकॉल क्या है, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक नेटवर्क में आपस में कनेक्ट हो जाती है तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं, और नेटवर्क में जब वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं दो डिवाइसेस, तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कम्युनिकेट करती हैं, और दोनों डिवाइसेस मस्ट उन रूल्स को फॉलो करती हैं, तभी कम्युनिकेट हो सकती हैं वो आपस में। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो कम्युनिकेट नहीं होते। अब जब हम बार बार रूल्स कह रहे हैं कि वो कौन से रूल्स हैं, तो वही रूल्स को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उन प्रोटोकॉल के हमने कुछ फंक्शन पढ़े, उनमें से था कि जो बहुत ही लंबा मैसेज है उसको छोटे छोटे पैकेट में, सेम साइज के पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं पे एक जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर एरर आता है तो सिर्फ वही पैकेट को रिट्रांसमिट करना पड़े, बजाय इसके कि हम होल मैसेज को रिट्रांसमिट करें। फिर हमने देखा कि डाटा रूटिंग है, वो देखता है कि कौन सा पाथ ठीक है जिसकी बदौलत हम मंजिल तक डाटा को लेके जाएंगे। फिर डाटा फ्लो पड़ा कि अगर सेंड और रिसीवर दो डिवाइसेज है और दोनों की आपस में जो स्पीड है वो मैच नहीं करती, तो डाटा फ्लो उस फ्लो को कंट्रोल करता है, डाटा को जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपरली डन कर देता है। इसी तरह फिर एरर कंट्रोलर है, अगर कोई एरर अक्कर होता है तो पहले तो ये एरर को डिटेक्ट भी कर लेता है, अगर वो एरर को डिटेक्ट कर लेता है उसके बाद वो उसको सोल्व भी कर लेता है। की एलिमेंट में सिंटैक्स था, सिमेंटिक था और टाइमिंग थी, जो कि हमने तीनों के तीनों इन फंक्शन की बदौलत ही उनको अंडरस्टैंड किया है। अगर फिर भी आपको इसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।